बजाज और न्यूज फ्लैश में आप सभी का स्वागत है। आज सेकेंड T20 शुरू हो चुका है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रही है और जडेजा रूल्ड आउट, मैच से बाहर हो चुके हैं। पिछले मैच में चोट लगी थी, बिकॉज ऑफ कंक्यूशन इज आउट। ओके, तो विराट कोहली खुशियां मना रहे हैं पहला मैच जीतने के बाद। और पिछले मैच में आपने देखा था, हमने कुछ न्यूज दिया था, जो ऑस्ट्रेलियन कोच है और ऑस्ट्रेलियन जो रेफरी है उनके बीच में थोड़ी सी टसल हो गई थी, थोड़ी सी हॉट वर्ड्स एक्सचेंज हो गए थे। ओके, तो आज के मैच में चहल आ गए हैं, क्योंकि पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच रहे थे एंड वे जो विकेट कीपर और कैप्टन है इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की ओर से, ओपनिंग उन्होंने शुरू की है और दो ओवर हो चुके हैं जिसमें उन्होंने अच्छी हिटिंग करनी शुरू कर दी है। फोर्स एंड सिक्सेस वो लगे हुए हैं, इंडिया के लिए आज पंगा हो सकता है। 200 प्लस हो गए तो पूरे मूड में है। बट यहां मैं आज बात करूंगा आपके साथ चहल और जडेजा के बारे में, जो हमने न्यूज लिया उसे देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया नॉट एंटायरली कन्विंस्ड इफ स्वैप वाज लाइक फॉर लाइक, ये वर्ड्स बार बार सोशल मीडिया पे और न्यूज में आ रहे हैं, टीवी में मैंने कई बार देखा ये वर्ड यूज हो रहे हैं। तो डू यू नो, हम अपने ट्रांसलेशन सेशन में ये जानना चाहते हैं, बच्चों को बताना चाहते हैं कि इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है, इन फ्रेजेस का मीनिंग क्या है। तो स्वैप का मीनिंग हो जाता है जी बार्टर, या फिर बार्टर सिस्टम हुआ करता था, वस्तु विनिमय प्रणाली, या फिर आप एक्सचेंज सिंपल कह सकते हैं, और या फिर आप सब्स्टिट्यूट वर्ड भी यूज कर सकते हैं, जो कि क्रिकेट में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो जो पंगा हुआ था कि जडेजा की जगह लाया गया चहल को और वो भी 3 विकेट लेके मैन ऑफ द मैच बन गए, तो ऑस्ट्रेलिया ने एकदम चीटिंग का आरोप लगाया कि यार ये तो गलत किया विराट कोहली ने या इंडियन कोच ने, कि उन्होंने लाइक फॉर लाइक नहीं किया। अब यहां पर एक वर्ड आ रहा है जी, लाइक फॉर लाइक, समथिंग ऑफ द सेम वैल्यू, इसका मीनिंग क्या होता है, समथिंग ऑफ द सेम वैल्यू। भाई साहब याद रखिएगा, लाइक फॉर लाइक क्रिकेट में रूल में जरूर है बट रियल लाइफ में कभी अप्लाई होता नहीं है। कैसे होगा, इंडिया के 15 या 16 प्लेयर हैं जिनमें से 11 खेल रहे हैं, जडेजा को चोट लगती है, बाकी 4 या 5 में से आपको चूज करना है, तो लाइक फॉर लाइक कैसे हो सकता है एग्जैक्ट कि लेफ्ट हैंडर भी चाहिए, वो स्लो बॉल भी फेंके, तो किसी को एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, हमने स्पिनर को भेज दिया। स्पिनर कौन, चहल। अब ये उनका लक है या उनकी मेहनत है या फिर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की थोड़ी सी कमी रही कि उन्होंने उन्हें 3 विकेट्स, बढ़िया बढ़िया 3 विकेट्स पका के दे दी और वो मैन ऑफ द मैच हो गए। तो लाइक फॉर लाइक जब यूज होता है न्यूज़पेपर में, हम बच्चों को पता होना चाहिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, ये वर्ड्स बार बार जब न्यूज़पेपर में आए तो आपको पहचानना है, समथिंग ऑफ द सेम वैल्यू और क्वालिटी भी कह सकते हैं। फाइन, तो आज के मैच में, अभी मैच शुरू हुआ है और मैं आपको ये न्यूज दे रहा हूं, आज के मैच में जो कैप्टन है उनके विकेट कीपर मैथ वेट बहुत हिटिंग कर रहे हैं। अगला न्यूज हमने देखा, जब क्या आया था, जो पिछले मैच से न्यूज आया, ये थोड़ा डराने वाला न्यूज है इंडिया के लिए, आगे फ्यूचर के लिए भी, क्योंकि सभी को इससे डर लगता है। जडेजा हैड बीन फीलिंग डिजी एवर सिंस ही रिटर्न टू द ड्रेसिंग रूम। लास्ट ओवर की सेकेंड बॉल पे जो स्टार्क ने बॉल मारी थी वो जडेजा के सिर पे लगी और कंकुशन वर्ड आया था, जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस भी किया था, बहुत ज्यादा उसके ऊपर न्यूज चलता रहा, पिछले 2-3 दिन से यही चल रहा है सोशल मीडिया पर। तो डिजी की शिकायत की, जब उन्होंने हेलमेट उतारा ना, भाई ऑस्ट्रेलियन कह रहे हैं कि यार ये लाइक फॉर लाइक कैसे हो गया, बंदा तो सही है, तुम इसे एक्सचेंज क्यों कर रहे हो, इसने तो लास्ट की 4 बॉलों पे 8-10 रन भी मार दिए है ना, तो आप इसे कैसे एक्सचेंज कर रहे हैं। बट वो जब आए ना ड्रेसिंग रूम में, उन्होंने हेलमेट उतारा तो कहा आई एम फीलिंग डिजी, तो डिजी का मीनिंग क्या हो सकता है, इसके सिनोनिम हो सकते हैं फेंट। वैसे फेंट का मीनिंग, हिंदी मीनिंग तो बेहोश होना होता है, बट चक्कर आने के लिए हम गिडी भी यूज करते हैं, गिडी का ज्यादा यूज होता है, आई एम फीलिंग गिडी एंड फीलिंग डिजी, तो फेंट इसका सिनोनिम हो सकता है। यहां हमें समझना होगा इन वर्ड्स को इस्तेमाल किया जा सकता था, बट डिजी और गिडी बहुत ज्यादा यूज होते हैं इस केस में, जब सिर में बॉल लगे और चक्कर आए या किसी वजह से आपको चक्कर आए, भगवान ना करे आपको आए, किसी को आए, तो इन वर्ड्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, हमें इन वर्ड्स को समझना होगा। एंड फिर आगे चलते हैं जी, अगला न्यूज आया कि उनके जो कैप्टन है, जो आज का मैच नहीं खेल रहे हैं इसलिए मैथ्यू वेट को कैप्टन बनाया है, तो उनके जो कैप्टन है फिंच टू वाज इक्वली प्रैग्मेटिक इन हिज स्टैंड सेइंग देयर डॉक्टर हैड रूल्ड जडेजा आउट ड्यू टू कंक्यूशन। कंक्यूशन वर्ड तो हम पिछली बार बहुत ज्यादा डिस्कस कर चुके हैं इसलिए आज नहीं करेंगे। तो
रूल्ड आउट जडेजा को इस सिरे से ही बाहर कर दिया गया है। ओके फिर आ रहा है पिंचोस टू इक्वली प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का मीनिंग क्या यूज हुआ है, मीन्स प्रैक्टिकल, यू कैन से प्रैक्टिकल, आप रियलिस्टिक कह सकते हैं, आप प्रैक्टिकल कह सकते हैं, रियलिस्टिक कह सकते हैं, आप सेंसिबल भी तो कह सकते हैं, समझदार है वो, तो इनवर्ड्स का इस्तेमाल प्रैग्मेटिक की जगह हो सकता था। प्रैग्मेटिक बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर में वर्ड यूज होता है, इसलिए उन्होंने चूज किया, अच्छी बात है। इनस्टैंड, इनस्टैंड मीन्स उन्होंने अपना रुख जाहिर किया, उन्होंने अपना रुख बताया, अपना स्टैंड लिया कि कोई बात नहीं यार, डॉक्टर हैड रूल्ड जडेजा आउट ड्यू टू कंफ्यूजन, डॉक्टर ने उन्हें रूल आउट भी तो कर दिया है, तो इसमें अब और क्या देना, रेफरी की मर्जी थी। तो यहां में दो वर्ड सीखने को मिले, एक कंफ्यूजन, एक प्रैग्मेटिक और एक रूल्ड आउट भी है। और यहां फिर देखिए स्टैंड का मीनिंग, यहां उन्होंने अपना रुख बताया, अपनी फीलिंग, अपना स्टैंड लिया उन्होंने। तो आप देख रहे हैं इन वर्ड्स के क्या क्या मीनिंग निकलते हैं बार बार, अगर ऐसे कुछ वर्ड्स की कलेक्शन, मतलब अराउंड हमने एक सीरीज चलाई है 100 वीडियोस की, अगर आप ये पूरी कर लेंगे आपको न्यूज़पेपर रीडिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं जी, एक और न्यूज़ था जडेजा के बारे में, क्योंकि जडेजा 44 रन्स वर नॉट इनकॉन्सिक्वेंशियल इन द फर्स्ट T20 एंड डिजर्व्स अ लॉट मोर रिस्पेक्ट देन ही गेट्स, कैफ ट्वीटेड। मोहम्मद कैफ जो इंडिया के प्लेयर रह चुके हैं पहले, वनडे प्लेयर, तो उन्होंने क्या कहा कि जडेजा को उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, He deserves a lot of more respect than he gets. जितनी मिलती है उससे ज्यादा मिलनी चाहिए, क्योंकि भाई विराट कोहली ने क्या स्कोर मारा, विराट कोहली ने तो बैटिंग भी नहीं की और कितने कैचेस छोड़े, आपने खुद मैच में देखा था फर्स्ट T20 में। बट जडेजा 44 रन्स, कम बोलों पे ज्यादा रन मार रहे हैं, पूरा दारोमदार उनके ऊपर आ रहा है, 6 या 7 नंबर पे बैटिंग करते हैं। ओके तो यहां पर ये वर्ड यूज हुआ है जी, इनकॉन्सिक्वेंशियल का मीनिंग होता है माइनर, माइनर, या हम कह सकते हैं माइनर की जगह अनइम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं, पैटी भी कह सकते हैं, तो ये वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ कि जडेजा की जो 44 रन्स थे वो इनकॉन्सिक्वेंशियल नहीं थे, यानी कि खास थे, माना कि उनकी जगह जो आए थे हमारे स्पिनर मिस्टर चहल, वो 3 विकेट ले गए और मैन ऑफ द मैच बन गए, बट लास्ट में जो इन्होंने किया ऑस्ट्रेलिया का हाल, इससे हमारा कॉन्फिडेंस और स्कोर कार्ड ऊपर बढ़ गया। ठीक है जी, तो ये थे आज के हमारे न्यूज और आशा करते हैं आपने यहां से कुछ सीखा होगा। अभी हम मैच का मजा लेते हैं और आज ऑस्ट्रेलिया बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है, देखते हैं रिजल्ट क्या होता है, जीतते हैं हारते हैं, जब आप ये न्यूज देख रहे होंगे तो हमें बताइएगा कमेंट में, वॉन लूज। तो अभी के लिए इतना ही एंड थैंक यू वेरी मच, अगले सेशन में मिलेंगे कुछ और नए वर्ड्स के साथ, कुछ और नए न्यूज के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज, हमारा बजाज, हमारा बजाज, हमारा बजाज।